जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है कि हम छोटे बच्चों को टीचिंग कैसे कराएं, उनको लिखना कैसे सिखाएं। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं अनिष्का जी के लिए लेके आई हूँ मार्केट से। इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट वगैरह के डॉट डॉट बने हुए हैं। एक शब्द उन्होंने लिख दिया है आगे और आगे उनके डॉट डॉट लगा दिया है। एक ही सेट में इंग्लिश के ए बी सी डी, हिंदी के क ख ग ढ बारह खड़ी और मैथ्स के नंबर्स गिनती वगैरह सारे दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग सेट में भी मिल जाएगा, एक में भी मिल जाएगा आपको। मार्केट में किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 100 रुपीज़ के समथिंग है। तो अनिष्का जी ने आज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग में हमें बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, वो खुद से नहीं लिख पाएंगे लेकिन वो धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है तो बच्चे इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही अच्छे से लिखना सीखेंगे। अभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स भी बंद पड़े हैं सारे, और 3 साल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ नहीं समझते हैं, सच्चाई यही है। अगर उनको मोबाइल देके पढ़ने के लिए बिठाओ तो वो या तो वीडियो चला के देखने लग जाएंगे या फिर गेम खेलने लग जाएंगे। तो इसलिए उनको पास में बैठ के ही पढ़ाना पड़ता है। तो अनिष्का जी को अच्छा लग रहा है, वो इन उनको मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। तो आप एक बार ये सेट ज़रूर ख़रीद के लाएं, इसमें बच्चे इजीली पढ़ाई करेंगे और अच्छे से सीख भी लेंगे। अभी कोरोना चल रहा है तो हम बाहर भी भेजने के बारे में नहीं सोच सकते बच्चों को। सभी मम्मियों को यही टेंशन रहती है कि बच्चों को बाहर कहाँ भेजें। तो अनिष्का जी सारे इजीली लिख रहे हैं अच्छे से। आपको उनको एक बार हेल्प करनी पड़ेगी, फिर बच्चे धीरे धीरे खुद ही लिखने लग जाएंगे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है एक बार हमें कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं आप, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये अनिष्का जी ने पूरा लिख दिया है और उनको अच्छा भी लगा है। तो चलो हम अनिष्का जी से पूछ लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। अनिष्का जी, आज आप क्या कर रहे हो? आपने ए लिखना सीख लिया? हाँ। मेरे को दिखाओ आपने कैसा ए लिखा है। ऐसे करके दिखाओ। अरे वाह, वेरी गुड, आपने अच्छा ए लिखा है। अब आप कल क्या सीखोगे? बी। कल भी सीखोगे? हाँ। आप थोड़ा तेज बोलोगे, आवाज नहीं आ रही है। हाँ। कल भी सीखोगे? हाँ। फिर डॉग। अच्छा, फिर डॉग का सीखोगे? हाँ। अच्छा, पहले कैट का सीखना फिर डॉग का सीखना। ओके। हाँ। ओके। नहीं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करके अच्छा लगा? हाँ। ओके, चलो बाय कर दो सबको।